हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 135 जो कि इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम और जो कि स्टार्ट तो हो रहा है फिर भी उसके बाद मिसिंग कर रहा है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मिसिंग कर रहा है, क्या के जो कि ये 135 है एंड ये 158 जो बाइक होता है इसका इंजन और 158 वह इसका इंजन सेम होता है। तो अभी मैं आपको चेंज अभी मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से पिकअप नहीं ले रहा है और इसका पिकअप जो कि पिकअप छोड़ रहा है, एक भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है बाइक। तो अभी से हम चेक करेंगे, पहले हम यूएस एक बार से फिजिकल चेक करेंगे, उसके बाद स्कैनर्स चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको क्या हुआ है। अभी आप लोगों ने देख लिया होगा फुल डिटेल में। अभी मैं थोड़ा कंफर्ट नहीं हूँ फॉर यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो अभी मैं थोड़ा न्यू हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड अभी मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। आपने सुना ही होगा फिल्म चला है, ये जो कि मिसिंग कर रहा है अच्छी तरह से, कंटिन्यू पिकअप नहीं ले रहा है। तो अभी से हम चला कर भी चेक करेंगे। ओ माय गॉड, तो अभी हम वीडियो नहीं कर पाएंगे चला कर चेक निकल रहे, क्योंकि ये देख सकते हैं अभी आपने जो कि यूं ही दिख रहा है, क्या चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा, अभी से हम नहीं चलाएंगे क्योंकि यूं ही दिख रहा है फॉल्ट, जो कि ये जो फॉल्ट है 100% फ्यूल पंप का है, क्योंकि इस तरह से फ्यूल पंप ही मिसिंग करता है। अभी मैं आपको इसे स्कैनर में चेक करके दिखाऊंगा, अभी तो आप देख सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, ये सीट हो गया, ये तो खुल चुका है। अभी मैं स्कैनर का चेक, ओ भाई स्कैनर का चेक कहाँ यार, स्कैनर का चेक कहाँ, अरे इसको सब खोलना पड़ेगा लगता है, यहीं पे ये देख सकते हैं स्कैनर का चेक यहाँ पे। तो अभी मैंने स्कैन के दिखाऊंगा। अभी आपने सोचा होगा कि ये डिजिटल क्यों नहीं बन रहा है डिजिटल मीटर, जो कि ये डिजिटल मीटर इसका ख़राब है। अभी आपने साउंड सुना ही होगा फिल्म जो कि चल रहा है, तो इसका डिजिटल मीटर ख़राब है, नहीं तो इसका फॉल्ट इसी में आप देख सकते होंगे, देख सकते हैं। अभी मैंने बहुत से वीडियो बनाया है, उसमें आपने देखा ही होगा किस तरह से चेक लाइट जो कि येलो लाइट होता है वो बल्ब ब्लिंक करता है। तो अभी मैंने आपने देखा होगा, तो इसका डिजिटल मीटर ख़राब है, तो अभी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ इसी तरह से। अभी मैं जा रहा हूँ स्कैनर चेक करने के लिए, अभी मैं ये देख सकते हैं अभी ये स्कैनर है जो कि हमारा ये ओबीडी है बेनेली का स्पेशली। तो अभी से हम तो अभी स्कैनर इसी से करना है, तो अभी मैं आपको इसमें शॉर्ट करके मैं भेज दूंगा। अभी हम रिसेट कर रहे हैं इसे YT टाइप बोर्ड, यस ब्लूटूथ टर्मिनल कनेक्शन सक्सेस हो चुका है डेल्फी, एंड प्लस चेक कर लेते हैं कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ करके। ये देख सकते हैं OBD कनेक्ट हो चुका है, अभी ये देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। सिस्टम डायग्नोस्टिक डाटा,
ओ भाई ये क्या हो रहा है यार। ये देखो भाई अब आ चुका है जो कि करेंट फॉल्ट अभी तो नहीं दिखा रहा है। हिस्ट्री फॉल्ट कोड 650 जो कि इसी में दिखाता है, हिस्ट्री फॉल्ट कोड में दिखाता है 0650 दिखा रहा है जो कि फॉल्ट अभी। तो अभी हम थ्रोटल पोजीशन, ओ माय गॉड थ्रोटल पोजीशन सेंसर ऑटोमेटिक 37 या 36 या 37.0 समथिंग आ रहा है, तो जो कि TPS का फॉल्ट भी दिखा रहा है। और जो कि ये अभी मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखिए फुल एक्सलेटर लेने के बाद 77.51 दिखा रहा है जो कि TPS प्रॉब्लम भी है इसे। तो इसे थ्रोटल पोजीशन ओनली प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्यूल पंप प्रॉब्लम भी है। तो अभी अभी मेन तो दिखा रहा है जो कि TPS है, तो अभी इसे हम थोड़ा पोजीशन चेक सेंसर चेंज करके देखेंगे, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। अभी मैं पैक कर रहा हूँ, अभी मैं TPS चेंज कर रहा हूँ, पहले TPS चेंज करने के बाद उसको आपको मैं दिखाऊंगा। अभी बस इतना ही, चलो बैक हो जाओ। अब याद सकते जो कि न्यू TPS है, जो न्यू TPS आ चुका है। अभी हम इसका कहाँ पे है, ओह लगता है लाइट जलाना पड़ेगा। TPS ये देखो भाई, ये देख सकते अभी मैं खोल रहा हूँ जो कि एक हाथ बिजी है, तो मैं एक हाथ से ही खोल रहा हूँ। मैं तो बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ लगता है यार, एक हाथ से काम कर रहा है यार। ये देखो तो अभी देख सकते हैं जो कि TPS खुल रहा है अभी, वो भाई नहीं खुला है अभी यार। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। और मोबाइल भी लीकेज हो रहा है यार, छोड़ो मोबाइल लीकेज बाद में बनाएंगे, पहले मेन समस्या देखो। ये देखिए इसका TPS, ये है पुराना वाला दशा तेरे, और न्यू ये दशा तेरे, ये न्यू और ये पुराना वाला। तो अभी से हम चेंज करेंगे, तो अभी दोनों हाथ से यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं वो करूँगा, क्या कहते हैं है यार, ओह माय गॉड बहुत पुराना हो चुका है हमारा स्टैंड। भाई मैं उड़, तो अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए TPS। ये आप देख सकते हैं जिसे मित्र से, और इसके बाद लग चुका है।
ये टाइट हो चुका है। अभी इसे हम 5 पर ऑन ऑफ करके रीसेट करेंगे, 1 2 3 4 5। अभी 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। अगर इसके बाद नहीं हुआ तो फिर पर 100% गया हुआ है, जो कि ये टीपीएस फॉल्ट दिखा रहा था अभी, तो टीपीएस तो गया ही है, तो टीपीएस तो चेंज करना बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी होल्ड 10 सेकंड के लिए। तो इसका टीपीएस दिखा रहा था, तो जो कि टीपीएस चेंज कर चुके अभी हम लोग, तो अभी हम चेक करेंगे। अभी स्कैनर रख देते हैं यहाँ पे साइड में, दस सेकंड हो गया होगा, तभी से हम चेक करते हैं। अगर इसके बाद बदलाव नहीं आया होगा तो अभी हम फिल्म चेंज करके देखेंगे, अगर बदलाव आ चुका है तो ठीक है। अभी आपने सुना फिल्म जो कि चल रहा है, मुझे लगता है चला के चेक करना पड़ेगा। ये बाइक से मैं चला के चेक करके आता हूँ, भाई मैं होल्ड कर रहा हूँ बाइक, एक भी पिकअप नहीं है यार, कैसा बाइक यार, ओ माय गॉड। ये आपने सुना ही होगा किस तरह से कर रहा है, जो कि एकदम सही पिकअप नहीं ले रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि जो कि इसका फॉल्ट टीपीएस तो गया ही था, उसके बाद इसका जो फॉल्ट था मैंने आपको मैंने कहा था कि फिल्म प्रॉब्लम से होता है, तो एक भी पिकअप नहीं ले रहा है। तो अभी इसे हम फिल्म चेंज करके देखेंगे। ये 100% फ्यूल पंप है, इसका कोई गुंजाइश नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिल्म चेंज करने के लिए, अभी आप देख सकते हैं। हाय, ये क्या हो गया, तो मैंने कहा था आपसे कि मैं फिल्म चेंज दिखाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए फिल्म। एक भी पिकअप नहीं है यार, क्या है यार।
स्क्रू। अब स्क्रू बाकी है, अभी स्क्रू है। तो मेरा ये बोल्ट अभी खुल चुका हूँ, यहाँ का जो कि चैनल में लिंकी बोल्ट होता है साइड साइड में, तो खुल चुका है बोल्ट अभी। तो अभी मैं इसे देख साइड से इस तरह से मैं अभी दिखाऊँगा, इसे खुलने पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊँगा आपको, मैं कंटिन्यू आप यह देख सकते हैं, ये है मीटर जैक, ये निकल चुका और ये देख सकते हैं फ्यूल पंप का जैक, फ्यूल पंप का पाइप निकल चुका है। अभी पेट्रोल निकालना पड़ेगा, पेट्रोल है अभी, तो अभी इसमें गिलिन में निकालेंगे पेट्रोल। पेट्रोल निकल रहा है अभी, थोड़े से पेट्रोल निकलने के बाद उसके बाद अभी हम फ्यूल पंप चेंज करेंगे, और फ्यूल पंप चेंज करने के बाद उसके बाद देखेंगे, जो कि एक भी पिकअप नहीं ले रहा था। अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी। वो देखिए फुल हो चुका है, तो भी से हम thank you.
ये देखो भाई पूरा ये देखने से नहीं देखेगा ये है न्यू और ये पुराना अभी इसको देखिए ये लग चुका है ये तो हो चुका है अभी पड़ा
और वो सोचेगा अभी रिसेट मैं करूँगा। 1 2 3 4 5 बहुत हल्ला हो रहा है यार इधर यार खाने पर। वही बाइक फुल्ली फाइनल हो चुका है, तो मैंने इसे मैंने चला के देखा था जो कि पिकअप नहीं था, जो कि टीपीएस फिट करने के बावजूद भी तो इसका फॉल्ट तो टीपीएस था ही था, उसके बाद इसका फॉल्ट साथ ही साथ फ्यूल पम्प भी था। तो अभी हम लोगों ने फ्यूल पम्प भी चेंज किया और टीपीएस का तो आपने रीडिंग में आपको मैं दिखाऊँगा और फ्यूल पम्प का मैक्सिमम रीडिंग नहीं दिखाता है, तो अभी फ्यूल पम्प प्रॉब्लम था मैंने चेंज कर दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उसके लिए सॉरी। अब ये टाइट हो चुका है, अभी मैं इसके बाद फिट करके चला के मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि एकदम से एक पिकअप ही नहीं था।
एक पाइप हो चुका है। कहते से तो जो कि धुआं भी नहीं उठा रहा है, तो अभी से हम चलाकर चेक करेंगे। ओ मिस्त्री सर, ओ मिस्त्री सर, आम ना जस्ट 2 मिनट, आम नेता। तो अभी से हम चलाकर चेक करेंगे। एक मिनट बस दिन नहीं है, जस्ट ड्राइव गाड़ी ऐसे देखा हमने ऐसे रे ठीक है ना। मीटर आ है ना, मीटर बिगड़े से पेट्रोल छाने से ना क्यों हो रहा है, कौन है क्या करके साइकिल ये बाइक ठीक हुआ है तो ज्यादा पेट्रोल नहीं है, हम ज्यादा नहीं चलाएंगे। तो अभी बाइक हो चुका है जो कि हमने फुल समथिंग 1 किलोमीटर समथिंग चलाया बाइक, तो आपने देखा ही होगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ, बस अब तक टेक केयर, गुड बाय। अगर किसी बाइक के बारे में जानना चाहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो कि इसका फॉल्ट था TPS एंड साथ ही साथ फ्यूल पम्प था, तो इसका फ्यूल पम्प एक भी पिकअप में ले रहा था, तो अभी हम लोगों ने चला कर आया है जो कि अभी हो चुका है। तो बस अब तक टेक केयर, गुड बाय।